वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉलीवुड द बिग स्टोरी। आप देख रहे हैं मैं हूं ना। गजनी के प्रमोशन के लिए आमिर खान अपना रहे हैं नए नए तरीके और उनकी कोशिश ये जताने की भी है कि जिस जमीन पर शाहरुख का सिक्का चला करता था अब उसी जमीन के बेताज बादशाह बन गए हैं आमिर खान। सिक्स पैक एब्स भूल जाओ, 8 पैक एब्स के लिए मैं हूं ना। फिल्मों की मार्केटिंग के लिए मैं हूं ना। लुक बदलना है तो मैं हूं ना। ऑस्कर की बात करनी है तो भी मैं हूं ना। लगता है शाहरुख के इस गाने को अब आमिर ने बना लिया है अपनी जिंदगी का फंडा। बॉडी, मार्केटिंग, लुक्स, हर जगह इन दिनों बस आमिर की ही तो चर्चा है। आमिर जिस तरह से गजनी की प्रमोशन के लिए जो नए नए तरीके निकाल रहे हैं उससे सवाल खड़ा हो गया है कि आमिर कहीं लोगों को ये संदेश तो नहीं देना चाहते कि अब शाहरुख को भूल जाओ, क्योंकि बॉलीवुड में सिक्स पैक एब्स की बहस सबसे पहले शाहरुख ने ही शुरू की थी। उस वक्त आमिर ने कहा था कि सिक्स पैक क्या चीज है, वो तो 8 पैक भी बना सकते हैं। और अपनी अगली ही फिल्म में आमिर ने बना डाले 8 पैक एब्स। शाहरुख के सिक्स पैक एब्स के बारे में तरह तरह के सवाल उठते थे, वैसे ही सवाल उनकी बॉडी के बारे में ना उठे इसलिए आमिर वो वीडियो भी ले आए जिसमें पहले दिन से लेकर बॉडी बनने तक आमिर की पूरी बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज दिखाई गई है। आमिर ने मीडिया को बुलाकर बॉलीवुड में पहली बार बॉडी की मेकिंग लॉन्च की है और अपने ट्रेनर सत्या से बात भी करवाई। कहीं ये शाहरुख को उनके सिक्स पैक एब्स का जवाब तो नहीं? अरे शाहरुख सुन लेगा, बहुत भड़क जाएगा भाई। अब तक शाहरुख खान को फिल्म प्रमोशन का मास्टर माना जाता था, लेकिन आमिर अब इस रेस में शाहरुख से काफी आगे निकलते नजर आ रहे हैं। गजनी को प्रमोट करने के लिए वो ऐसे ऐसे तरीके ढूंढ लाए हैं जिसके सामने शाहरुख की रब ने बना दी जोड़ी का प्रमोशन फीका सा नजर आ रहा है। अरे शाहरुख सुन लेगा, बहुत भड़क जाएगा भाई। अरे शाहरुख सुन लेगा, बहुत भड़क जाएगा भाई। और तो और, जहाँ जहाँ रब ने बना दी जोड़ी रिलीज हुई वहाँ भी आमिर ने घुसपैठ कर ली और फिर उस पर सफाई भी दे डाली। I know it is reported that it's a negative thing, but it's not a negative thing at all. क्योंकि जो आदमी रब ने देखने जा रहा है वो थोड़ी गजनी के लुक्स देख के लौट जाएगा कि नहीं यार मुझे भी रब ने नहीं देखनी है। तो जो रब ने देखने जा रहा है वो तो देखे गई। फिर भी सवाल तो खड़ा होता ही है कि क्या आमिर पूरी तरह से शाहरुख की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। दिल चाहता है कि रिलीज के बाद आमिर का लुक लोगों को पसंद आया था, लेकिन गजनी के लुक को तो आमिर ने रिलीज से पहले ही ऐसा मशहूर कर दिया है कि लोग हर जगह आमिर के गजनी वाले लुक में ही रंगे नजर आ रहे हैं। वहीं शाहरुख का सुरेंद्र साहनी वाला लुक शायद ही किसी ने रखा हो। सवाल फिर वही कि क्या आमिर चाहते हैं कि अब शाहरुख को भूल जाओ। What does it feel like to be number two after आमिर? शाहरुख अपने रोल्स में अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आमिर ने देसी अवार्ड से काफी पहले ही तौबा कर ली है। ऑस्कर जैसे अवार्ड्स जीतने की उनकी कोशिश रहती है। लगान के बाद उनकी तारे जमीन पर को इस बार ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से भेजा गया है। साफ है कि आमिर अवार्ड्स के मामले में भी शाहरुख से आगे निकलने की कोशिश करते रहते हैं। What does it feel like to be number two after आमिर? आमिर और शाहरुख के बीच की ये अनकही जंग हमेशा चलती रहती है। आमिर ने खुलकर तो कभी इसके बारे में नहीं बोला है, पर वो कोई ना कोई ऐसा काम करते रहते हैं जिससे शाहरुख और आमिर की इस रेस की चर्चा होती ही रहती है, जिसके बारे में सुनने में लोगों को बड़ा मजा आता है। वार अक्सर आमिर की तरफ से होता है, इसलिए आमिर और शाहरुख की इस जंग के बारे में सवाल भी खड़े होते रहते हैं। आमिर ने जिस तरह बॉडी बिल्डिंग का ये नया वीडियो जारी किया है, कहीं ये भी आमिर का शाहरुख को जवाब देने का कोई नया हथियार तो नहीं? चेतना सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।